तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को इसके मीनिंग के साथ। सबसे पहले एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कंट्री में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम। देखो इनसे ही इकोनॉमी चलता है। सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक। इट रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक यानी एक इकोनॉमी से पैसे से रिलेटेड प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए और सोशल सामाजिक सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हो, ये सब डेवलप होना चाहिए। तो दो एलिमेंट्स लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, कौन कौन से? इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक में क्या आता है? सच एलिमेंट्स विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जो प्रोडक्शन को हेल्प करेंगे, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये प्रोडक्शन को प्रमोट करने में हेल्प करती है। ये सब कौन से एलिमेंट्स में आ गया? इकोनॉमिक एलिमेंट्स में। सोशल कौन कौन से हुए? विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। सोशल का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहना सहना, ये सब। इसमें क्या क्या आ जाएगा? एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। ये तीन चीज़ें हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन जाती है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो ना कि कितना एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, कम्युनिकेशंस, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। क्यों इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी में? उसके मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं। दैट इज अ वेरी गुड 6 पॉइंट्स। सबसे पहला क्या बोल रहा हूँ? इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बात हो रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। जो बाहर से लोग आके हमारी कंट्री में पैसा लगाते हैं, जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आके अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे देर इज़ शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, देर इज़ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो अगर हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो देर आर ग्रेटर चांसेस कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, सो दैट वी कैन इंड्यूस मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत फायदे हैं इसके। नंबर टू, फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग तो आप जानते ही हो, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आउटसोर्सिंग होता है ऑलरेडी और ज़्यादा हो सकता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। हम लोगों को बाहर से बहुत काम मिलता है, इट फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। हम काम करके दे सकते हैं अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। इतने बड़े बड़े कॉल सेंटर्स इंडिया में हैं, वो क्यों है? क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पूरी कंट्री में हो तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। तो इट फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगे, जितने ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, ऑफिसेज होंगे, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा, उतना ज़्यादा लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल हो रही होंगी। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है क्या जनरेट करने में? एम्प्लॉयमेंट, जॉब जनरेट करने में, काम जनरेट करने में। नेक्स्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इज़ अ ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज़्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर अच्छा करेंगे, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिएंगे। आप लोग अभी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो फॉर एवरीथिंग, लेकिन जब आप अपना अर्न करने लगोगे तो आप खुद भी एक अच्छी चीज़ जो आपका मन करे वो ले सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी लेके दे सकते हो। आपका तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा ही होगा और आप अपने दम पे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा करोगे। इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि हम अपने सपने तो पूरे करें ही करें और जो हमारे पेरेंट्स के रह गए वो भी पूरे करें। तो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंट्री में जहाँ पे एक बढ़िया एम्प्लॉयमेंट होता है वहाँ लोग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब ओवरऑल काम इतना बढ़िया चल रहा होगा तो इकोनॉमी एज अ होल डेवलप होगा या नहीं होगा? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स मोर प्रोडक्टिविटी, मोर प्रोडक्शन, मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर इनकम जनरेशन, देन मोर इन्वेस्टमेंट। दोबारा इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर रीजनरेशन, तो ये साइकिल घूमता रहेगा। एज अ होल इकोनॉमी गेट्स डेवलप्ड, पूरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो जाता है, ये हम इसमें लिखेंगे। इट फैसिलिटेट्स फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से फंक्शनिंग होती है। देखो एनर्जी अगर ना हो, इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो, तो क्या सभी डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम कर पाएंगे? अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो इतना प्रोडक्शन करके क्या करेंगे अगर वो सप्लाई ना हुआ? अगर कम्युनिकेशन ना हो तो लोगों को नॉलेज कैसे होगी? एडुकेशन ना हो तो स्किल कैसे डेवलप होगा? हेल्थ फैसिलिटीज ना हो तो हम क्या करेंगे? अगर मैं बॉडी से ही फिजिकली फिट नहीं हूँ तो मेरा माइंड भी अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि अ साउंड माइंड विल ऑलवेज रिजाइड्स इन अ साउंड बॉडी। उसके बाद हाउसिंग, हाउसिंग फैसिलिटीज ना हो लोगों के पास तो कैसे हमारी इकोनॉमी फंक्शन करेगी? तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वी नीड बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। वो तभी हो सकता है अगर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है।
तो ये 6 पॉइंट्स आप इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस में लिख के आने वाले हो आपके एग्जामिनेशन में, जिसकी हेल्प से आपको पूरे नंबर ग्रैब हो जाएंगे। तो ये कुछ छोटे से टॉपिक्स थे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग हेल्थ की तरफ। अब बचता है इस चैप्टर में ये छोटा सा टॉपिक जो कि है हेल्थ। अब ध्यान रखना, वन मार्क में आ सकता है व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट होता है हेल्थ। हेल्थ के बारे में क्या दिया है, हेल्थ मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल मेंटली एज वेल एज फिजिकली साउंड होना चाहिए। तो हेल्थ मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। गुड हेल्थ डज नॉट ओनली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी अगर कोई इंसान बीमार नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। एक इंसान हेल्दी कब होगा, जब वो बीमार भी ना हो और उसके साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो, उसका ओवरऑल एफिशिएंसी हाई हो, उसकी मेंटल एबिलिटीज माइंड बहुत बढ़िया काम करता हो, तब मैं कहूँगा कि एक इंसान हेल्दी है। तो हेल्थ के लिए 3 चीज़ें, एक तो बीमार ना हो, उसके बाद 3 चीज़ें, प्रोडक्टिविटी हाई, एफिशिएंसी हाई और मेंटल एबिलिटीज काफ़ी बढ़िया काम करती हों, तो वो इंसान हेल्दी होगा। अब इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, उसमें देखो क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई। सबसे पहले हमारा डेथ रेट डिक्लाइन हो गया। डेथ रेट जो कि पर 1000 23% पर 1000 था, 1000 में 23 लोग, इतना ज़्यादा हाई डेथ रेट था, वो अब रिड्यूस होकर 6.3 पर 1000 हो चुका है। जो 23 पर 1000 था, कब की बात हो रही है, डेटा ध्यान रखना 1951 को 2017 से कंपेयर कर रहे हैं, 1951 को 2017 से। तो 51 में 23 पर 1000, अब 2017 में 2.3 पर 1000, ठीक है। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट भी कम हो गया है। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट होता है जिन बच्चों की डेथ होती है बिफोर द एज ऑफ 1, 1 साल से पहले पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, वो कितना था, 146 पर 1000, 1000 में 146, आज कितना है, 32 पर 1000, 32 बच्चे प्रति 1000 बच्चे, 1000 में से 32, वो उनकी डेथ हो जाती है 2017 के डेटा के अकॉर्डिंगली। पहले कितना ज़्यादा था, 146। तो हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं तभी तो बच जाते हैं। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो गया है, पहले 32 ईयर्स था एक्सपेक्टेड लाइफ, अब 69.4 ईयर्स है। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस, बहुत सारी डेडली डिजीजेस, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इस तरीके की डिजीजेस पे अब कंट्रोल पाया जा चुका है, तो ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बल्कि ये कोरोना जैसी डेडली डिजीज आ गई है 2020 में, पता नहीं कैसा 2020 गया है, बट चलो कोई बात नहीं। इस पर भी हम लोग एक ह्यूमंस एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा चीज़ है जो चलती आ रही है और चलती जाएगी, इसको भी कभी ना कभी ख़त्म कर ही देंगे। तो डेडली डिजीज पर भी कंट्रोल आया, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में ये इम्प्रूवमेंट हमें लिख के आना है। क्या क्या लिख के आओगे, डेथ रेट कम हो गया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम हो गया, उसके साथ साथ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई और डेडली डिजीजेस भी कम हो गई, उन पर हमने कंट्रोल पा लिया। स्टिल हेल्थ इज एन एमर्जिंग चैलेंज। अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी हेल्थ एक चैलेंज है हमारी कंट्री के लिए। कैसे चैलेंज है, नंबर वन देख लो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। आप में से बहुत से लोग ऐसे सिटीज़ में होंगे, ऐसे टाउन में होंगे, ऐसे एरियाज में होंगे जहाँ पे अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होंगे, बट बहुत से लोग ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे बहुत अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन हमारे शहर में भी नहीं है, आई बिलोंग टू सहारनपुर, और हमारे एरिया में बहुत अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। एक फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे एक पहला इलाज तो हो जाता है, फर्स्ट एड तो हो जाता है, बट अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ना तो फटाफट रेफर करते हैं कि भाई शहर से ले जाओ, क्यों, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो बड़े शहर बिग सिटीज़ में जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, तो जो छोटे शहरों के लोग हैं उनका काम कैसे चलेगा, या जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनका काम कैसे चलेगा। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ अनइक्वल होने की वजह से, हेल्थ केयर सेंटर्स अनइक्वल होने की वजह से हेल्थ स्टिल अ चैलेंज। नंबर टू, कम्युनिकेबल डिजीजेज, बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे HIV है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो स्प्रेड होती जा रही हैं, उनके ऊपर कोई आज तक कोई उनका हमें एक प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है, तो वो कितना बड़ा चैलेंज बन गया है हमारी इकॉनमी के लिए, आप लोग समझ सकते हो। नंबर थ्री, पुअर मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, यानी कि जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स रिक्वायर्ड हैं और अवेलेबल नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो मिसमैच्ड है, हमें जितनी मेडिकल सीट्स चाहिए होती हैं एज पर स्टूडेंट्स वो मिसमैच्ड हैं, तो मैनेजमेंट कितना ज़्यादा ख़राब है।
जब आपको पता है कि यू नीड डॉक्टर्स, तो आप अपनी सीट्स बढ़ाने की कोशिश करो, आप अपने हॉस्पिटल्स बढ़ाने की कोशिश करो, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. तो देर इज अ कंप्लीट मिसमैच इन बिटवीन दीज थिंग्स. तो काफी पुअर मैनेजमेंट शो करता है. प्राइवेटाइजेशन, हेल्थ केयर हमारा प्राइवेटाइजेशन की टूवर्ड ज्यादा इंक्लाइंड है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव होने की वजह से लोगों की रीच से बाहर है. इतना कैसे पे करें लोग, वो नहीं पे कर सकते. तो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से भी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है हेल्थ केयर में. उसके बाद पुअर अपकीप. अपकीप का मतलब जो मेंटेनेंस है वो बहुत पुअर है, बहुत पुअरली मेंटेन्ड है सारी की सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं करी गई. ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस हमें क्या देखने को मिलती है, प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इन हेल्थ केयर. हम लोग देखते हैं कि कहीं पे एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुंच रही, कहीं पे रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली नहीं बनाए जा रहे, कहीं पे पेपर वर्क के पीछे लगे हुए. तो देयर इज अ ग्रेट मिसमैच, काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस खराब है. उसके बाद सैनिटेशन लेवल. आजकल तो सैनिटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैनिटाइजेशन है. तो सैनिटेशन, साफ सफाई का लेवल काफ़ी ख़राब है. हम लोग देखते ही हैं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छे से चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रही है, बाकी बहुत बुरा हाल है. सैनिटेशन लेवल अच्छा नहीं है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं हेल्थ सेक्टर में, और हेल्थ बन के आ रहा है एक एमर्जिंग चैलेंज फॉर आर कंट्री. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो. पिछले चैप्टर में शायद मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम देना ही भूल गया, बट आप लोग टैलेंटेड हो, ले लोगे मुझे पता है. तो इसी के साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म हो जाता है. अब बचा बस एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.